उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर सड़क पर हो रहे हादसे तथा यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र पर फायरिंग को लेकर कानून व्यवस्था पर लगाया सवालिया निशान। महाजन ने शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए तत्काल मटकोटा गदरपुर दिनेशपुर सड़क के पुनर्निर्माण के साथ उसके चौड़ीकरण की मांग की है। सिर्फ खानापूर्ति करते हुए गड्ढे पाटने से काम नहीं चलेगा। महाजन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी अनिल सिंह के सुपुत्र पर रुद्रपुर में फायरिंग करने को लेकर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि बीते दिनों फायरिंग करने के आरोपियों के द्वारा 2022 में फिरौती मांगी गई थी। फिरौती नहीं मिलने पर गदरपुर में उनके पुत्र प्रशांत के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। देखिए, ये घटना 27/6/2024 की है, जो रुद्रपुर में गांधी पार्क में दो शूटरों द्वारा मेरे बड़े बेटे प्रशांत सिंह के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें वो घायल हुआ। उसका अभी भी इलाज चल रहा है। उसमें पुलिस द्वारा तीन रैकी करने वालों को गिरफ्तार किया गया और एक शूटर उसमें गिरफ्तार हुआ है, और एक शूटर ने पुलिस का कहना है कि सरेंडर किया है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में किसी अदर केस में। और पुलिस का कहना ये भी है कि अभी कुछ लोग और भी हैं इसके षडयंत्र में, जिनके खिलाफ पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। परंतु मुझे अफसोस इस चीज़ का हो रहा है। मैं बार बार अपनी अपील आप लोगों के सामने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, इस सूबे के मुखिया से करना चाहता हूं कि 2022 में मेरे बेटे के साथ फिरौती उन अपराधियों ने मांगी थी, जो सैज नाम का व्यक्ति है जो आज इंग्लैंड में है। उस व्यक्ति ने 2022 में मैंने FIR कोतवाली रुद्रपुर में लिखाई थी और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर उसको गिरफ्तार पुलिस ने उसी समय कर लिया होता, उसके साथियों को भी अगर गिरफ्तार कर लिया होता, तो आज ये गोली नहीं चलती। वो तो ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसकी जान बच गई। ऐसी स्थिति में आज भी मेरा छोटा बेटा, मैं खुद डरा हुआ हूँ। उसके पार्टनर को भी इंग्लैंड से धमकी आ चुकी है, और इसमें हमारे ज़िले के जो मुखिया हैं कप्तान साहब, जो SSP महोदय हैं, उन्होंने खुद अपने व्यक्तित्व में बोला है कि वो धमकी सहजवीर ने दी है। तो जब ये कंफर्म हो रहा है कि सहजवीर ने धमकी दी है, तो मैं उनसे ये भी अपील करना चाहूँगा कि उनके खिलाफ जो है इनाम घोषित करें। उनके जो साथी यहाँ पर घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, और हम बार बार बता रहे हैं कि वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा। जो उनके पार्टनर रहे हैं, जो क्राइम में उनके पार्टनर रहे हैं, क्या ऐसा दबाव है कि सत्ता का कोई दबाव है या किसी का दबाव है जो उनके ऊपर यहाँ के प्रशासन का हाथ है? मैं तो इतना डरा हुआ हूँ कि अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा हूँ, क्योंकि पुलिस की भी मुझे अभी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। एक ऑलरेडी छोटे समय के लिए पुलिस दी गई है। मैंने माननीय DM महोदय को भी एक पत्र लिख दिया है कि मेरे बेटों को सुरक्षा दी जाए। मैं देहरादून जाके DGP कार्यालय में, DGP साहब तो नहीं मिले, मैं वहाँ ADG साहब से भी मिल के आ गया हूँ। मैं डेली अपील कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए। इसी बात को लेकर मैं माननीय विधायक जी ने जो कल धरना, कल जो है रुद्रपुर में जिला कार्यालय में एक ज्ञापन DM महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को देना, जो DM महोदय के माध्यम से है, मैं इनके साथ हूँ और मैं और मेरा परिवार भी कल वहाँ पहुँचेगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।